Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम उदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादास्य साहित्यं यः प्रकाशस्य वितरय च प्रचारान् कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की जय। आज का जो वर्स दिया गया है वो है तीसरे थर्ड कैंटो 9th चैप्टर का 33rd वर्स, 33 नंबर का वर्स है। तो कल हमने 32 वर्स देखा था, आज हम 33 वर्स देखेंगे। मैं प्रयास करूंगी मेरी तरफ से कि मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊं। अगर कुछ भी गलती होती है तो प्लीज आप क्षमा कर लेना, और क्या कहते हैं बाद में हम जैसे एंड में करते हैं वैसे आप आपके जो व्यू पॉइंट्स है उसको ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली हम सभी वक्त मिलके। तो आज हम 33 नंबर का श्लोक डिस्कस करेंगे। यदा रहितं आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं ऋच्छति। यदा रहितं आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं ऋच्छति। अभी हम देख रहे थे कि ब्रह्मा जी ने अपने जो जितने क्वेश्चंस थे वो पूछ लिए हैं, और अभी भगवान उसके उत्तर में आगे बता रहे हैं। तो इस पर्पट में मेरे सामने अभी इंग्लिश में है तो उसको हम हिंदी में अनुवाद करके पढ़ेंगे। व्हेन उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ ग्रॉस एंड सेटल बॉडीज एंड व्हेन योर सेंसेस आर फ्री फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर यू विल रियलाइज your pure form in my association. At that time you will be situated in pure consciousness. जैसे हमने कल देखा कि ब्रह्मा जी बोल रहे पूछ रहे भगवान से कि श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण से कि आपने तो मुझे ये पूरे सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये सृष्टि का निर्माण करते वक्त जो मेरा नित्य स्वरूप है या फिर मैं आप ही को भूल जाऊं। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब वो प्रार्थना करे भगवान से कि कृपया भगवान ऐसी कृपा करे कि ऐसा ना हो कि मैं अपने अस्तित्व को मतलब आपके अस्तित्व को भूल जाऊं और जो मेरा सही में कार्य है उसको करते करते नहीं कहीं मैं उसमें बह न जाऊं। तो यहाँ पे आगे भगवान उनको कह रहे हैं कि जब आप जो हमारा कंसेप्शन है क्रॉस एंड सटल बॉडी का उसको आप क्लियरली समझ पाएंगे, एंड जब आपके सेंसेस है जो इंद्रिया है वो मटेरियल तीन गुणों से आगे बढ़कर उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, जब ही उनके इन्फ्लुएंस से बाहर जाएंगे तभी ही आप जो है आप रियलाइज कर सकोगे कि आप मेरा जो प्योर फॉर्म आपका प्योर फॉर्म क्या है उसको आप समझ पाओगे और
मेरे एसोसिएशन में जब मेरे संग मेरा एसोसिएशन में जब आओगे तभी आप इस आपके प्योर फॉर्म को समझ पाओगे। और उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है कि कंसेप्शन जो है आपका ग्रॉस एंड सटल बॉडी का, उसको आपको उससे आपको फ्री होना है, मुक्त होना है, और आपके इंद्रियों से भी आपको निकलना है। इंद्रियों जो इन्फ्लुएंस करती है हमें, उससे आपको बाहर निकलना है, और तभी जो है तुम मेरे प्योर कॉन्शियसनेस में स्टेट मतलब सिचुएट हो जाओगे, मतलब वस्ती करोगे। तो जो है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या हमें करना जरूरी है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस ये जब वर्ड यूज करते हैं, तो हमसे क्या अपेक्षित है एज एक भक्त जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भक्ति है। तो भगवान इनडायरेक्टली डायरेक्टली ब्रह्मा जी को कह रहे हैं जो मैसेज, वो हम जैसे भक्तों को भी लागू होता है कि हमें करना क्या है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को उसको प्योर प्योरिटी की तरफ कैसे लेके जाना है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस वर्ष को। तो हम देखते हैं कि रिसेंटली देखा हमने गूगल में बहुत सारे जगहों पे ऐसे हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली कि एकदम से 10,000 लोगों को उन्होंने काम से ही निकाल दिया है ना। तो जो है जैसे जो बंदा एचआर का बंदा था जो सबको मेल डाल के कह रहा था कि आपको काम से निकाला गया है, थोड़ी दिन बाद उसे ही समझ आया कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, मैं भी उसी में से एक हूँ कि जिसे काम से निकाला गया है। तो यहाँ पे भगवान आगे ये मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि यहाँ पे सर्विस एटीट्यूड या फिर सर्वाइटरशिप जो है, जो सेवक का भाव है, उसके बारे में परपटन श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। क्योंकि जब भगवान इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, वो एक अंतिम वाक्य कह रहे हैं भगवान कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन परपटन श्रील प्रभुपाद हमें उसको अच्छे से समझा रहे हैं कि हमें क्या कैसे उस चीज तक पहुंचना है। तो हम थोड़ा सा परपट की तरफ बढ़ते हैं। In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that the person whose only desire is to render transcendental loving service to the Lord is a free person in any condition of material existence. मतलब जिसका सिर्फ एक ही भाव है कि भगवान की सेवा करना, वो इस भौतिक जगत से conditions जो है, मतलब भौतिक जगत की जो जो हम पे बंधने हैं उससे वो बाहर निकल सकता है। और इसके लिए आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो सर्विस एटीट्यूड है ये स्वरूप ऑफ और रियल फॉर्म है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं स्वरूपेण मयोपेतम, मतलब रियल स्वरूप हमारा स्वरूपेण मतलब इन प्योर एग्जिस्टर, मयो मतलब बाय मी, उपेतम मतलब अप्रोचिंग, मतलब आपका जो हमारा भक्तों का जो रियल स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप क्या है वो तो है सर्विस एटीट्यूड, मतलब भगवान का सेवक, नित्य सेवक जो है भगवान का, यही हमारा रियल स्वरूप है ना। इस जीवात्मा का रियल स्वरूप है नित्य सेवक ऑफ भगवान। लेकिन हम इस दुनिया में देखते हैं कि नोबडी वांट्स टू बी सर्वेंट, राइट? क्योंकि अगर सर्वेंट मतलब सेवक का काम होता है, जैसे हम ऑफिस में जॉब करते हैं, मतलब हम किसी ना किसी तरह से इस जगत में सेवक के रूप में ही है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो हम हमारे खुद के शरीर की सेवा कर रहे हैं, या फिर हमारे घर वालों की सेवा कर रहे हैं, या फिर इस नेशन की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो किसी ना या फिर किसी छोटे मोटे कंपनी में काम करके हम सेवक की तरह से ही काम कर रहे हैं। तो नो वन लाइक्स टू बी सर्वेंट यहाँ पे, क्योंकि उनकी एंजाइटीज अलग होती है, ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है, उधर जाके वर्कलोड है, प्रेशर है। तो क्या होता है कि सबको चाहिए कि हम भी सेवक का रूप छोड़कर हम ओनर बने, है ना, कि एक कोई ऐसा बिजनेस मैं ही खुद निकालूं कि मेरे अंडर 10-12 लोग काम करें, मतलब आई वुड बी द ओनर, तभी मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, ऐसा हम जनरल सोचते हैं। तो ये सर्वाइटरशिप है जो सेवक का भाव है लिविंग एंटिटी को, एक्चुअली जो इटर्नल है हम में, है ना, हमें उसको खोजने की अलग से जरूरत नहीं है, इट इज इटर्नल। कहीं हम हमारे फैमिली की सेवा कर रहे हैं, कुटुंब की सेवा कर रहे हैं, ऑफिस घर में है तो बाहर जा रहे हैं तो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो ये सेवक का भाव हमें स्थित है ही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा, मतलब कृष्ण भगवान की सेवा करना, यही हमारा नित्य स्वरूप है। तो अगर मैं बिजनेसमैन, जैसे मैंने क्लास में सुन रही थी तो उसमें कह रहे थे कि हम बिजनेसमैन बनते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अब मैं ओनर बन गया हूँ, सो आई कैन, मैं इन सबको रूल कर सकता हूँ जितने लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं। तो ये जो है मेंटेलिटी लोगों में बहुत है कि हमेशा वो क्या करते हैं, उनको बनना है, दे वर्क सो हार्ड टू बिकम द ओनरशिप, उनको चाहिए ओनरशिप, सो उनको सर्वेंट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर हम लोगों को बताना चाहे कि आपका भाव है भगवान की सेवा करना, मतलब आपका नित्य स्वरूप है भगवान का सेवक, तो जो है वो सोचते हैं इस भौतिक जगत में हम है तभी भी हम सेवा ही कर रहे हैं, और अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं तो वहां पे भी हमें सेवा ही करनी है, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट,
जब तक वो उसे एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक वो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो खुशी का भाव क्या होता है समझ नहीं पाते। सो क्या है यहाँ पे, सब हर किसी को क्या करना है, तो हर किसी को ओनर बनना है, मतलब मैं और मेरा, राइट। तो जो है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो वो मास्टर बनने के पीछे वो लगे हुए ओनर बनने के। बट हम सब जानते हैं जो हम भगवतम कक्षा में साथ में है कि देयर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ही ओनर है, एक ही दिस क्या कहते हैं मास्टर है, वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण, राइट। तो हम देखते आगे कि इस श्लोक में आता है यदा रहितम आत्मानम भूतेन्द्रिय गुणाशयहि, यदा रहितम आत्मानम भूतेन्द्रिय गुणाशयहि। मतलब हम जब क्या कहते हैं जिसको, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमारी जो ग्रॉस बॉडी है और सटल बॉडीज है, हम जानते हैं ग्रॉस बॉडी मतलब ये जो शरीर है जो पंच तत्व से बना हुआ है, और सटल बॉडी जो है वो माइंड इंटेलेक्ट एंड फॉल्स ईगो जिसको हम जानते हैं, है ना, तो मन बुद्धि और अहंकार। तो जो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम समझते हैं कि हम ग्रॉस बॉडी के ही सेवक है या फिर सटल बॉडी से, तो यहाँ पे कृष्णा भगवान एकदम क्लियरली कहते हैं कि आपको इस ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दोनों के कंसेप्शन से फ्री होना है, मुक्त होना है। कि जैसे हमने आज भक्ति कर रहे हैं तो हम इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट, वी आर सम फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जब हम फॉलो करते हैं तो ये दिस इज फॉर हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना, इसमें मेजर पार्ट श्री श्री प्रभुपाद ने उसको दिया है। और हम सोलह माला का चैंटिंग करते हैं, दैट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग आवर माइंड। तो मतलब ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दोनों पे काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इन द चैतन्य चरितामृत आल्सो कन्फर्म्स दिस स्टेटमेंट बाय डिक्लेयरिंग दैट द रियल स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी इज द इटर्नल सर्वाइटरशिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। द मायावाद स्कूल शडर्स एट द थॉट ऑफ अ सर्विस एटीट्यूड इन द लिविंग एंटिटी, नॉट नोइंग दैट इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज बेस्ट ऑन ट्रांसेंडेंटल लव। जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो भगवान की सेवा करना कोई हंटर पकड़ के हाथ में नहीं सेवा करवा सकता, है ना, लेकिन उसको उसके लिए वो सेवा करने के लिए क्या जरूरी है, तो ट्रांसेंडेंटल लव। क्योंकि हम हमारे फैमिली में कोई हम मतलब हमारे बच्चों की या फिर हमारे स्पाउसेस की जो सेवा करते हैं तो उनकी जो हम केयर करते हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लव, राइट। हम में कुछ प्यार का रिश्ता है इसीलिए हम उनका केयर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब कृष्ण भगवान की सेवक बनने की जब बात आती है तो श्रील प्रभुपाद इसे कह रहे हैं कि दैट इज ओनली पॉसिबल विद द ट्रांसेंडेंटल लव। जब हमारे पास वो उनके लिए प्रेम की प्रेम का भाव होगा, आदर का रिस्पेक्ट का भाव होगा, तभी हम उनका सेवा कर सकते हैं उनकी। तो यहाँ पे बता रहे कि ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस इज नेवर टू बी कंपेयर्ड टू द फोर्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, है ना, उनको हम फोर्सफुली ये करवा नहीं सकते। तो इसीलिए उनको क्या करना है, उसके लिए उनको प्रेम का भाव उनमें आना जरूरी है जब हम सेवक का रोल में हम जाना चाहते हैं कृष्ण भगवान की, तब हमें वो प्रेम का भाव आना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जब हमने यदा रहितम आत्मानम भूतेन्द्रिय गुणाशयहि, हमने देखा कि ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो है हम इस भौतिक जगत में जब है तो हम तीन गुणों से प्रभावित है, हम सब जानते हैं इस चीज को, है ना, क्योंकि ये तीन ही गुण मटेरियल इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, है ना, इस जीवात्माओं को वो ये तीन गुण कंट्रोल करते हैं। तो हमें क्या होता है कि वंस यू रियलाइज, हमें जब ये रियल स्वरूप पता चलता है कृष्ण का, भगवान हम मतलब कृष्ण भगवान है और हम उनके सेवक है, तभी हम कृष्ण के किंगडम मतलब उनका स्वराज्य जो है, जो उनका किंगडम है, उनके उनके यहाँ पे उधर जाने के लिए हम पात्र बनते हैं, है ना। तो दैट कंसेप्ट जो है कि मैं शरीर हूँ, ये हमारे अंदर बहुत डीपली रूटेड है। क्यों डीपली रूटेड है, क्योंकि कई जन्मों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि आई एम दिस बॉडी, लेकिन अब कहीं जाके हम जान पाए कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम द सोल। तो इस कंसेप्शन को हम इतने जन्मों से लेके हमारे साथ में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम में आज भी वो कंसेप्शन है ही, कि क्योंकि हम शरीर की उतनी चिंता करते हैं या फिर शरीर को कुछ हो जाए तो आज भी हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, डेफिनेटली भी आपको, बट कहने की बात यह है कि उसी कंसेप्शन में आज भी कहीं सारे लोग जी रहे कि आई एम दिस बॉडी।
जब तक हमें पता नहीं था, जैसे मुझे पता नहीं था, तब तक मेरा भी कंसेप्शन यही था। लेकिन जब शास्त्रों के आधार से हमने पढ़ा भागवतम, श्रीमद भागवत गीता और श्रीमद भागवतम में कि वी आर नॉट दिस बॉडी, फर्स्ट लेसन तो वही आता है श्री भगवत गीता। तो ये जब पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में, धीरे 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 वी आर वर्किंग ऑन इट, है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि वैसे ही जैसे हम इस ग्रॉस बॉडी के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे हमारे सटल बॉडी पे भी हमें काम करना जरूरी है। जैसे कह रहे थे उस लेक्चर में प्रभु जी कि जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके परपट में एक बात आ रही है, दिस वर्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द ज्ञानी स्कूल। The enlightened nannies, when free from all material contaminations, namely the gross and subtle bodies, together with the senses of the material modes of nature. ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो साइंटिस्ट है, जैसे हम देखते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं हमेशा, जो फिलोसोफर्स है जो डिफरेंट फिलोसॉफीज के बारे में बात करते रहते हैं, तो वो है ना, दे आर नॉट अटैच टू देयर बॉडीज। जैसे हम देखते हैं जो बच्चा, अगर कोई हम साइंस पढ़ रहे, फिर डॉक्टरेट के लिए MBBS बनना चाहता है, तो उनको कॉलेजेस में जाके, जैसे हमने देखा है कि उनको पूरे बॉडी का, जो ह्यूमन बॉडी जो है उसका पूरे छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर उनको सिखाया जाता है, दे कुड सी द बॉडी, मतलब उनको जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो पार्ट्स उनको डिफरेंट डिफरेंट देखने मिलते हैं, हाउ टू ऑपरेट इट, अगर कोई सर्जन बनता है तो, मतलब बॉडीली कॉन्सेप्ट जो उनके जो होते हैं वो उससे दूर होते हैं, मतलब ऐसे नहीं, दे आर नॉट वेरी मच अटैच टू देयर बॉडीज, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द ट्रूथ कि बॉडी जो है, ये शरीर जो है वो मांस रक्त पेशी इनसे बना हुआ है, सो दे आर नॉट वेरी अटैच टू द बॉडी। बट उनका जो सटल माइंड है ना, जो इनका इंटेलेक्ट है, वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहता है, मीन्स दे नीड टू रिसर्च समथिंग। उनको मतलब यहाँ कहा गया जो ज्ञानी जो है वो हमेशा इंटेलेक्चुअली उनको क्या कहते हैं, एक्सरसाइजेस के पीछे वो रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, द ज्ञानीज एंड द डिवोटीज आर एक्चुअली इन एग्रीमेंट अप टू द पॉइंट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन। मतलब वो भक्तों के साथ में ज्ञानीज को भी लिबरेशन के पॉइंट तक समझ पाते हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे, क्योंकि वो बॉडीली कंसेप्ट से दूर है। बट आगे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, वेयर एज द ज्ञानीज रिमेन पैसिफाइड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, द डिवोटी डेवलप्स फर्दर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, है ना। मतलब ये जो मटेरियल नॉलेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी, साइंस है, फिलोसॉफी है या फिर रिसर्च है, ये सब चीजें मटेरियल चीजों के बारे में होती है, तो उनका ज्ञान जो है वो उनका जो इंटेलेक्ट है वो लिमिटेड हो जाता है। पर आगे जाके भक्त जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, है ना। लिबरेशन तक दोनों भी जा सकते हैं, बट श्रील प्रभुपाद बता रहे कि इस भौतिक ज्ञान से परे आगे भी एक अनदर साइड ऑफ अ कॉइन इज स्पिरिचुअल नॉलेज। तो भक्त जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं आगे, और ये सब चीजों को वो जानते हैं। सो हियर इनडायरेक्टली प्रभुपाद वांट टू से कि भक्त जो है वो दैट दे आर बेटर देन ज्ञानीज, बिकॉज उनका कंसेप्ट जो है वो इंटेलेक्ट तक क्या कहते हैं, सीमित नहीं है, वो स्पिरिचुअल ज्ञान की तरफ भी देखते हैं, और जब वो स्पिरिचुअल ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, उस ज्ञान को पाते हैं, तभी उनका ट्रांसेंडेंटल लव जो हमने पहले देखा, जो अपेक्षित है भक्तों से, या फिर किसी व्यक्ति को प्रेम करने के लिए, किसी व्यक्ति की सेवा करने के लिए जो प्रेम का भाव अपेक्षित है, ये जब हम उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने लगते हैं, तभी हम उससे प्रेम के भाव से सेवा कर सकते हैं। तो ये जो है वो कृष्ण भगवान के बारे में ट्रांसेंडेंटल लव जागृत करने का काम जो है ये शास्त्र करते हैं, है ना। जब भगवान ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो हमें धीरे धीरे भगवान की तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। सो हम देखते हैं कि ग्रॉस बॉडीज की डिमांड क्या होती है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, जैसे हमने देखा है। तो उसी तरह माइंड जो है, जो हमारी सटल बॉडी है, उसके भी कुछ कार्य है। माइंड के क्या है कार्य, हम देखते हैं क्या पुलिंग से, मतलब किससे वो हमें कर रहे, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। तो ये तीन चीजें है जहां से हमारा मन काम करता है। तो ये मन जो है ये कई बार हमें डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस और थॉट्स में बांधते रहता है, है ना। कभी अच्छे थॉट्स, कभी बुरे थॉट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम आज बहुत अच्छे मूड में हैं, तो हम टेंपल में जाके एक नहीं दो सेवा करके आएंगे, है ना। कोई भी काम बोलो टेंपल में, अगर सेवा है या फिर भगवान के लिए, अगर हम आज ऐसे ही बैठे हैं, आज अच्छा मूड है, तो बैठ के सामने दो भजन हम गा लेंगे। सो दैट वे दिस माइंड वर्क्स, जो है हमारे इमोशंस को वो माइंड कंट्रोल करते रहता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ वन विल कंटिन्यू सर्विंग द लॉर्ड इज फ्री। भगवान ने जो कहा है कि इन एनी कंडीशन, मतलब सुख की बात हो, दुख की बात हो, है ना, मन हमारे इमोशंस के साथ कैसे भी इंटेलेक्ट को
डोमिनेट कर रहा हो, बट फिर भी इन एनी कंडीशन, जब एक जो शुद्ध भक्त है वो, जिसका कॉन्शियसनेस प्योर है, वो क्या करेगा, सिर्फ एंड सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने के बारे में ही सोचेगा। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, द डिवोटीज डेवलप अ स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी इन देयर स्पॉन्टेनियस सर्विस एटीट्यूड व्हिच इज एनहांस्ड ऑन एंड ऑन अप टू द पॉइंट ऑफ माधुर्य रस और ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस रेसिप्रोकेटेड बिटवीन द लवर एंड द बिलव्ड। मतलब यहाँ पे ये माधुर्य रस के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं एंड में, जो हमने अभी बात करी कि प्रेम का भाव है तभी जाके वो सेवा के भाव में बदल सकता है, या फिर वो सेवा को अच्छी तरह से मीनिंगफुली अर्थ दे सकता है। तो यहाँ पे जो है ये तीन मोड जो है, तीन गुण जो है, वो हमेशा कंटिन्यूअसली जो लिविंग एंटिटीज को क्या करते हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, वो तीन जो गुण है वो हमारे ऊपर कैसे काम करेंगे, वो कुछ चीजों के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो क्या होता है कि टाइम, डेस्टिनी, मटेरियल नेचर, है ना, काल है, हमारा गंतव्य है, और इस ये भौतिक जगत, ये तीन चीजों के बेस पे ये तीन गुण जो है वो काम करते रहते हैं। एंड वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लिविंग एंटिटीज के साथ वो, जैसे हमने कहा, इंटेलेक्चुअली वो बहुत सारे इमोशंस क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि, और ये सब चीजें होने के लिए, और कोई भी चीजें, और कोई मतलब देयर इज अ कर्मा, जो हमारे पिछले जन्म के, जो कई जन्मों के कर्म है, वो भी उसके साथ में आते हैं। और फिर जब ये इंटेलेक्ट के पीछे या फिर इंटेलेक्चुअली बुद्धि से काम जो करते हैं, तो उनके हाथ से कर्म जो है वो अलग अलग तरीके से, अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, गलत कर्म भी हो सकते हैं। प्रभु जी कह रहे थे कि वो किसी जेल में प्रीचिंग के लिए गए थे, तो वो सोच रहे थे ये तो गांव का जेल है, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम पिक पॉकेटर्स होंगे, लेकिन उन्होंने देखा, या फिर अनपढ़ लोग होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां कई सारे क्वालिफाइड लोग भी थे जो जेल में थे। तो वो कह रहे थे कि बीइंग ओनली मटेरियल एजुकेशन होना जरूरी नहीं है, मतलब इनफ नहीं है, साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके कर्म खराब होने की वजह से वो अभी जेल में आए हुए। तो शिला प्रभुपाद का एक मैंने जैसे मैंने देख पढ़ रहे थे उसमें कि अर्जुन ने एक बार कृष्ण को पूछा था, भगवद गीता में वो वर्स आता है 3.36 अथके न प्रयोक्तम, कि व्हाट इज दैट विच इज फोर्सिंग मी टू डू द सिनफुल एक्टिविटीज। वो ऐसी क्या चीज है जो मुझे सिनफुल एक्टिविटीज करने के लिए भाग कर रही है, मतलब फोर्स कर रही है। तो भगवान उनको एक ही श्लोक में बताते हैं कि वो हम सब श्लोक जानते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, मतलब जो है कि फ्रीडम फ्रॉम द ग्रॉस बॉडी टू सर्टन एक्सटेंट इज ओके, बट फ्रीडम फ्रॉम द सटल बॉडी इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये सब चीजें हमसे कर्म गलत होते हैं, क्योंकि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, मतलब उन्होंने दिया है कौन से गुणों में कौन सा व्यक्ति स्थित होता है, या फिर उसके गुण क्या होते हैं। तो उसी तरह से ग्रॉस बॉडी से हमें मुक्ति पाना, क्योंकि वो मृत्यु के बाद में पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी, है ना, हमारी जो शरीर है वो, लेकिन हमने जो कार्य किए हैं हमारे गुणों में आकर, तो वो जो इम्पैक्ट है वो हमारी सटल बॉडी के साथ में ही आगे जाएगा। इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस सटल बॉडी से फ्री होना, मुक्त होना इज वेरी डिफिकल्ट। एक बार मैंने राधिका कृपा माता जी के क्लास में सुना था, वो बता रहे थे कि सटल बॉडी से बाहर निकलने के लिए, या फिर मन बुद्धि अहंकार की उस केज को तोड़ने के लिए एक ही हथियार है, वो है भगवान का नाम। जितना हम भगवान का नाम लेंगे, उतना ही मन बुद्धि अहंकार इस ट्रैप से हम सोल को मुक्त कर सकते हैं, ऐसे माता जी उस क्लास में बता रहे थे। अभी हमने देखा कि जैसे ज्ञानीज है ना, प्रभुपाद इस वर्स में ज्ञानीज के बारे में बता रहे हैं, तो उनकी जो है इंटेलेक्चुअली नॉलेज पाने के लिए उनकी क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमेशा उनको ज्ञान के बारे में, वो ज्ञान अर्जित करने के पीछे लगे होते हैं। तो वो इंटेलेक्चुअल क्रेविंग उनकी फुलफिल जब होती है, तभी वो शांत होते हैं। और एक इंटेलेक्चुअल क्रेविंग जो है उनकी, वो कभी इतनी इजिली शांत नहीं होती, दे आर ऑलवेज हैव न्यू थिंग्स टू लर्न अबाउट, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि उनकी जो ईगो है, बुद्धि के वजह से आने वाला जो अहंकार है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सो वो क्या करता है, फिर इन्फ्लुएंस करता है हमारी कार्यों को, हमारे बुद्धि को, और फिर इसके वजह से वो जो ज्ञानीज है, वो भगवान का ट्रांसेंडेंटल लव जो है उससे वो दूर रहते हैं, है ना, बिकॉज उनका हैंकर करता है हमेशा दिमाग कुछ ना कुछ नया नया सोचने के लिए, नया नया ज्ञान पाने के लिए। बट जब तक वो स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ नहीं बढ़ते, तब तक उनका अहंकार जो है वो बहुत बढ़ते जाता है। इसीलिए उनको इट्स वेरी डिफिकल्ट
वो ग्रॉस बॉडी लेवल से वो ऊपर है, लेकिन सटल बॉडी से मुक्त होना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो यहाँ पे कृष्णा इंद्रिय गुणाशय ही बता रहे हैं, मतलब क्या, द सेंसेस विल ऑल्सो कम अंडर दिस स्वरूप। जो सेवक का भाव जो है उसको सेंसेस, मतलब अभी यहाँ पे इस्कॉन बैंगलोर टेम्पल में महाराज आए हुए हैं, भक्ति रसामृत महाराज है, वो कल ही बता रहे थे, उन्होंने एकदम डिफरेंट क्लास लिया कल इवनिंग, दैट इज नॉट रेगुलर क्लास। अभी जैसे जगन्नाथ यात्रा चल रही है तो उन्होंने कहा मैं उसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो न्याय के बारे में बता रहे थे, जैसे कुपमंडू का न्याय, न्याय देन में स्नेक एंड व्हाट इज दैट, मैंने उसका नाम मैंने लिख के लिया, स्नेक एंड रोप का वो न्याय के बारे में, मतलब ही वाज एक्सप्लेनिंग डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफीज इन दैट वे। सो क्लास बहुत ही सुंदर था महाराज जी का कल का। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या करते हैं कि सेवक ऑफ द सोसाइटी, हम धीरे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम हर किसी के सेवक बनते हैं इस जन्म में आने के बाद में, है ना, इस देश के सेवक है, सो फैमिली के सेवक है, सोसाइटी के सेवक है, लेकिन एक हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है भगवान का नित्य सेवक होना, उसे हम भूल जाते हैं जब तक हम स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आगे नहीं बढ़ते। सो यहाँ पे इस पर्पट ने शिला प्रभुपाद सर्विस एटीट्यूड उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान की नित्य सेवा करना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इस भगवान के, इस ब्रह्मा जी के दिए गए सवाल के जवाब को लेके शिला प्रभुपाद ने उसको सर्विस एटीट्यूड, क्योंकि जब तक हम ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और सेंसेस, ये तीनों चीजें धीरे धीरे करके हम कंट्रोल करना चाहते हैं जब, तो उसके लिए हमें सर्विस एटीट्यूड हम में होना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेट क्या है कि कृष्णा का सेवक, नित्य सेवक बनना, यही अल्टीमेट इस लाइफ का गोल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा, हम सर्विस एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, तो एटीट्यूड पांच चीजों से बनता है ना, डिटरमाइंस फाइव थिंग्स। एक तो फॉल्स ईगो, दूसरा है पास्ट लाइफ हमारी, जो फॉल्स ईगो मतलब हमने अभी देखा अहंकार, पास्ट लाइफ कंडीशंस, हमने कितने पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म किए थे, हम किस कंडीशन से आगे आगे बढ़ते इस मनुष्य जन्म तक आए हैं, वो पास्ट लाइफ कंडीशंस, हमने उस जन्म में कितने अच्छे बुरे काम किए, है ना, वो उसके ऊपर हमारा एटीट्यूड जो बनेगा वो इफेक्ट डिपेंड करता है। बाद में आपकी अपब्रिंगिंग, इस जन्म में आने के बाद आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आप कैसे छोटे से छोटे थे तब से आपके ऊपर क्या संस्कार हुए हैं, जैसे बच्चे डिवोटी फैमिली में जन्म लिया है, किसी ने कसाई के फैमिली में जन्म लिया है, नॉट नेसेसरी कि जो बच्चे डिवोटी फैमिली में जन्म लिए हैं वो डिवोटी बनेंगे, या फिर जो कसाई के फैमिली में जन्म लिया है वो कभी डिवोटी नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी उसके पिछले जन्म के कार्य कर्मों पर ही डिपेंड आता है। बट एटीट्यूड कैसे किसी का बनता है, उसके उसके लिए ये पॉइंट बताया था कि अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उसकी। बाद में एसोसिएशन, कैसे संगत में आए हैं, और फिफ्थ इज विल पावर। जैसे हमने अभी देखा कसाई का बच्चा भी भक्त भक्त बन सकता है अगर वो अच्छा एसोसिएशन में आए और उसकी मन बुद्धि, मन की जो इंटेलेक्ट जो है उसका, वो उस तरह से काम करे, उसकी विल पावर उस तरह से काम करे, तभी वो भक्त बन सकता है। तो ये पांच चीजें हमारी एटीट्यूड को डिटरमाइन करती है, जैसे मैंने कहा, जैसे फॉल्स ईगो, पास्ट लाइफ कंडीशंस, अपब्रिंगिंग, एसोसिएशन एंड विल पावर। तो ये पांच चीजों को हमें पकड़ के कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। कि मतलब फॉल्स ईगो तो हम जानते हैं कि मैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, तो डेफिनेटली हमें सेवक का भाव हमें धीरे धीरे जागृत हो रहा है जो शास्त्र शास्त्र चक्षु को देखने के बाद में। तो हमारे पास्ट लाइफ कंडीशंस तो हम नहीं बदल सकते, वो तो कहीं ना कहीं अनर्थों के रूप में हमारे साथ में है ही, चलेंगे ही चलेंगे। अपब्रिंगिंग, जैसे हर किसी को बचपन से कृष्ण की भक्ति या फिर उसका भाव, ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिला है दैट इज नॉट द कम नहीं है, एज के इस लाइफ के किसी भी समय में हमें कृष्ण भगवान के बारे में ये जानना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में जानना, ये उन्हीं की कृपा के वजह से, अहितुकी कृपा हम जिसको कह सकते हैं, उसके लिए हमारे लाइफ में क्या आया है, ये नॉलेज आया है और साथ में एसोसिएशन आया है ना, भक्तों का संग आया है। और तीसरी बात है विल पावर, दैट इज व्हाट वी आर नाउ विलिंग, एटलीस्ट हम विलिंग मतलब हम इच्छा कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा करें और भगवान का दास बने, है ना, हम गोदास मतलब हम इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहते पर हम भगवान का दास बनना चाहते, ये हमारी विल पावर धीरे 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 इस भक्तों के संग में आके शास्त्रों को पढ़ने के बाद में अब स्ट्रांग होते जा रही है कि यस हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान हम नित्य सेवक है भगवान के। तो श्रीला प्रभुपाद, ये राधाना स्वामी महाराज जी का एक कोट भी एक अच्छा उसमें मैंने देखा था,
that only humility with service attitude can attract Krishna. Means only service attitude is not sufficient. देखो इसमें और एक पॉइंट एड हो रहा है, वो है ह्यूमिलिटी. मतलब हमें ह्यूमिलिटी के साथ में भगवान की सेवा करना है, ना कि फोर्सफुली, है ना. जैसे हमने देखा कि हफ्ते में 2 घंटे तो टेम्पल में जाके सेवा करना जरूरी है, या फिर वैष्णवों की सेवा करना जरूरी है, तो कोई टाइम नहीं है. पर हाँ, ये इससे हमें जो कुछ ना कुछ फायदा होगा ये सोच के अगर हम सेवा करते हैं तो वो सेवा डेफिनेटली काउंट होगी. ऐसे नहीं कि नहीं होगी, बट कृष्ण भगवान के स्वराज्य में, उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन सी सेवा काउंट होती है, जो ह्यूमिलिटी के साथ में की गई है ना. तो भागवतम में भी कहते हैं कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम, इफ वी डू नॉट सर्व द सुप्रीम देन वी फॉल डाउन फ्रॉम आवर स्पेसिफाइड प्लेस. मतलब अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, हम माया की सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, फॉल डाउन डेफिनेटली है. फॉल डाउन इन एनी सेंस, जैसे अभी हम धीरे धीरे 84 लाख स्पीशीज में मनुष्य देह हमें मिला है, तो अगर हम भगवान की सेवा इस जन्म में आके नहीं कर रहे तो हमारा फॉल डाउन अगेन मनुष्य उसे लेके और हम पीछे जा सकते हैं. प्रभुपाद जो है उस एक क्लास में शिला प्रभुपाद फिंगर एंड हैंड का एनालॉजी बता रहे थे. जैसे हमारे हाथ का एक फिंगर अगर बहुत ज्यादा पेनफुल है ना, उसको कुछ लगा हुआ है हाथ में, तो वो ज्यादा पेनफुल है, तो वो इस बॉडी को सर्व नहीं कर सकता, है ना. दैट फिंगर, उस फिंगर की वजह से ये पूरा हाथ ही कट गया है अगर, तो ये फिंगर कहीं जोर से लगी हुई है, कट गया है, या फिर उसको फ्रैक्चर हुआ है, तो ये पूरा हाथ ही यूजलेस हो जाएगा, वो इस बॉडी को सर्व नहीं कर पाएगा. तो इसी तरह से बता रहा है कि जब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड जब हम बोलते हैं उनके बारे में, द सेम वे इफ वन हु इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम एंड नॉट रेंडरिंग द सर्विसेज इज गिविंग पेन टू द सुप्रीम लॉर्ड. प्रभुपाद स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें बता रहे थे कि हम पार्ट एंड पार्सल, जैसे ये हाथ इस बॉडी का पार्ट एंड पार्सल है, बट इट इज पेनफुल, इसलिए वो सर्व नहीं कर रहा है ना. दैट पेन, द होल बॉडी इज, जो पूरा शरीर उस पेन को महसूस कर पा रहा है. उसी तरह से हम कृष्ण भगवान के अंश है, अगर हम उनको सेवा नहीं कर रहे तो उतना ही वो पेनफुल है कृष्ण भगवान के लिए, तो वो भी उनके लिए ट्रबल सम है. और जब कोई भी व्यक्ति, जैसे इस स्टेट के लिए कुछ लॉ बने हैं, श्रीला प्रभुपाद बता रहे थे इस स्टेट के लिए लॉ बने हैं, अगर वो लॉ फॉलो नहीं करते, उस लॉ को ब्रेक करते हैं उस, तो उनको क्या किया जाता है, जेल में डाला जाता है. उसी तरह से जो हम इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं, हम सभी ने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का जो धाम है, वहां से हमने सब वो लॉ जो बने हुए थे वो ब्रेक किए हैं, स्पिरिचुअल लॉस, और इसीलिए हम सबको एक साथ पकड़ के इस मृत्यु लोक के जेल में डाला गया हुआ है, श्रीला प्रभुपाद बता रहे थे. सो क्या कह रहे थे वो आगे, कि वी आर गिविंग पेन टू कृष्णा एंड बाय नॉट सर्विंग हिम एंड नॉट फॉलोइंग द लॉस. वेरी टचिंग कि हम भगवान के जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जिसके बारे में हम इतना उनको अभी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या फिर उनके बारे में जानते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को हम समझ रहे हैं, लेकिन हमने कभी ना कभी उनको, उनका मन दुखाया है, इसीलिए वी आर इन दिस, इस हम मृत्यु लोक में आज हम साथ में इस जेल में पड़े हुए हैं, और फिर भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यस उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा. तो दैट इज हिज कृपा ऑन अस कि हम उनके बारे में पढ़ रहे, सुन रहे, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने जनरेट की है कि ऐसा नहीं कि इस जेल में आए हो तो यहाँ से निकल भी सकते हो, बट आपको ये चीजें करनी है. तो दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्त. तो अन्य जैसे हम एंड करूंगी इससे मैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए इस लाइफ स्पैन में, एक्सेप्ट कृष्ण का भक्त, कृष्ण की सेवा करने के अलावा और कोई अभिलाषा हम इस लाइफ से, हम इस हमारे इस जन्म से नहीं रखेंगे. तभी हम प्योरली प्योर, हमारा जितना कॉन्शियसनेस प्योर होगा उतना ही भगवत धाम जाने के चांसेस हमारे बढ़ेंगे. हरे कृष्णा. यही कह के मैं मेरे वाणी को विराम दे रही हूँ. अगर कुछ गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो कृपया क्षमा करना. और आप सभी भक्त जो है वो इसमें अपने पॉइंट्स और व्यूज ऐड कर सकते हैं. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी आपको. हाँ, और सभी भक्तों को. समा जाता हूँ, बीच में वो थोड़ा अनम्यूट हो गया था उसके लिए. माताजी, सबसे पहले तो साधु साधु. माताजी, आपने श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छी तरह ये जो
सेवा का महत्व है वो समझाया माता जी। और माता जी आपने बहुत अच्छे से, प्रारंभ में मुझे थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन आपने जब से ज्वाइन किया तब से आपने बताया कि किस तरह हम ये जो यदि स्थूल इंद्रियां जो है हमारे, जो स्थूल शरीर है वो तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन जो स्थूल ये शरीर है वो रहेगा और वही जो है वो हमारे आगे का जो प्रवास है उसमें हमें वो ये नक्की करेगा। और आपने बहुत अच्छा बताया माता जी के कैसे ये पांच कारण है, एक तो हमारा फल्गु अहंकार, बाद में हमारा जो ये पूर्व जन्म के जो कर्म है, संस्कार है वो, फिर हमें जैसे जहाँ हम बड़े होते हैं वहाँ का जो प्रभाव पड़ता है, और जो संघ होता है, और जो हमारी इच्छा शक्ति दृढ़, ये विल पावर। बहुत अच्छा माता जी बताया, और आपने आगे ये भी बताया महत्व कि हमें भगवान की जो है प्रेममयी सेवा करनी है, और लेकिन उसके साथ हमने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का भी बताया कि हमें उसके साथ जो है ये विनम्रता होनी चाहिए, वो तो ही वो हम ये जो है सेवा करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। और बहुत अच्छा माता जी आपने ये प्रवचन से ये सेवा के बारे में बताया माता जी। इसमें माता जी एक खाली थोड़ा सा ऐड करना था, ये एक हम जो एक श्लोक देखते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहितम अश्नामि प्रयतात्मना। माता जी इसमें ये श्लोक है, इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि ये जो द प्रोसेस ये रहा माता जी, द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन दिस कनेक्शन टू बी अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इट इज, ये जो सेवा है भगवान की शुद्ध भक्त बनने के लिए जो सेवा है उसमें कोई बड़ा हो छोटा हो या उसकी कोई भी परिस्थिति हो वो मायने नहीं रखती, केवल मायने ये रखती है दैट यदि कोई भगवान की प्रेम से भगवान को कुछ अर्पण करे, और ये जो भगवान की जो सेवा है वो जो है वो पूरे विश्व में एक सामान्य रूप से कर सकते हैं और कोई भी उनकी सेवा कर सकते हैं, आवश्यक है कि वो सेवा करे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बताते हैं कि हु इज सच अ फूल दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू बी कृष्णा कॉन्शियस बाय दिस सिंपल मेथड एंड दस अटेन द हाईएस्ट परफेक्शनल लाइफ ऑफ इटर्निटी ब्लिस और नॉलेज। प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसी सेवा करके जो जीवन जीवन का पूर्ण लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं करेगा, जिससे उसे सचित और आनंद की प्राप्ति हो। और कृष्णा को केवल चाहिए प्रेममय सेवा और कुछ नहीं। कृष्णा जो है वो एक पत्र भी लेते हैं, फूल भी लेते हैं, केवल उनको जो है वो सेवा चाहिए, और वो किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु नहीं लेते अभक्त से। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति जो है ये एक ही केवल साधन है जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई ब्राह्मण बने या कोई ज्ञानी बने या कोई बहुत बड़ा धनी बने या कोई बहुत बड़ा ये तत्व चिंतक बने, वो भगवान को किसी भी प्रकार के सेवा से उनको भगवान को रिझा नहीं सकता है, और भगवान केवल और केवल भक्ति से ही रिझाते हैं। और अगर यदि कोई, आगे मैं तात्पर्य में से थोड़ा पढ़ रहा हूँ, यदि कोई भगवान की सेवा में लगना चाहता है और वो शुद्ध होना चाहता है और अपने जीवन के लक्ष्य जो है भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना, तो उसे जो भगवान चाहते हैं वो उसे देना चाहिए। और वन हु लव्स कृष्णा विल गिव हिम वॉट एवर ही वॉन्ट्स एंड ही अवॉइड्स ऑफरिंग एनीथिंग विच इज अनडिजायरेबल और अनआस्क्ड। तो यहाँ पे ये मतलब प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो भगवान को जो चाहिए वो देता है, और जो भक्त होता है वो भगवान को जो चाहिए उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो उसे नहीं चाहते चाहिए
वो उसे नहीं देते, इसलिए उनको जो ये मांस है, मच्छी, अंडा, ये सब नहीं उनको देते हैं। यदि भगवान वे चाहते हैं तो उन्होंने वो बताते, लेकिन वो बता रहे हैं कि उनको पत्र, पुष्प, फूल या जल अर्पण करें। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि therefore we should understand that he will not accept ये जो है पत्र, पुष्प, अरे ये मांस, मच्छी, अंडा, ये सब, और भगवान को केवल जो है सब्जी, अनाज, फल, दूध, जल, और जो ये मनुष्य जीवन के लिए भी ये सही तरह से मान्य रखता है खाद्य पदार्थ, वो भगवान को ये प्रेम से उनको अर्पण करते हैं। तो इसमें एक ये सेवा मैंने इसलिए इसमें बताया क्योंकि ये भगवान अपनी ही इच्छा से जो उनको मांगते हैं उसे, जो भगवान की जो प्रेममय सेवा करते हैं वो उस देने के लिए कुछ भी प्रयास करते हैं। और ये इसमें भक्त को जैसे ये एक श्रीमद् भागवतम में ये भी आता है नित्यम भागवत सेवया, तो उसमें दो प्रकार के भागवत की सेवा करने के लिए बताया जाता है। तो उसमें एक तो ये है ये ग्रंथ भागवत और दूसरा है ये जो है भक्त भागवत। तो भक्त भागवत के बारे में भी ये भागवतम में आता है कि हम महत सेवया, मतलब यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें भगवान की जो ये प्रेममय सेवा करने की इच्छा और बढ़ती है और हम में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा की वृद्धि होती है। यदि हम ऐसे महत सेवया जो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं, और एक लाभ ये है भगवान के भक्तों की सेवा करने का, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में वहाँ पे बताते हैं कि जो ये क्योंकि जो ये भक्त भागवत है वो जो ग्रंथ भागवत है उसमें जो दिया गया है वो अपने जीवन को उसी तरह पालन करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम यदि उनकी सेवा करते हैं तो हमें भी वैसे गुण आएंगे और उनकी कृपा से हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें श्रद्धा बढ़ेगी। तो ये एक उसमें ये ऐड करना था। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी, पवन प्रभु जी, थैंक यू फॉर एडिंग सच ए इम्पोर्टेंट थिंग कि भगवान खुद ही कह रहे पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमें मतलब एकदम छोटी सी छोटी सेवा है जो हर छोटा बच्चा भी कर सकता है, पानी लाके रखना, फूल भगवान को अर्पण करना, उसके लिए कुछ बड़े किसी क्या कहते हैं पोजिशन की आवश्यकता नहीं है या फिर कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और भगवान इतनी छोटी सी सेवा से भी कह रहे कि मैं खुश हो जाऊंगा। बट इतना ही अपेक्षित है कि सेवा भाव, वो भी अपने जैसे कहा विनम्रता से सेवा भाव होना, नॉट फोर्सफुली, वो जरूरी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एडिंग सच अ वंडरफुल पॉइंट्स प्रभु जी। हरे कृष्णा, ये सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी। या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच अ नाइस सेशन माता जी, और अपने बहुत सरल से माता जी ये जो सेवा भाव के ऊपर आज अपने ये जो सेशन लिया माता जी, सो इट वॉज वेरी नाइस। और जैसा मतलब ये जो पर्पट में प्रभुपाद जी ने जो सेवा भाव के ऊपर जो लिखा हुआ है माता जी, आई थिंक यू कवर्ड एवरी पॉइंट माता जी। और मैं माता जी यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था माता जी, आई वॉज हियरिंग परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज के लेक्चर में, तो महाराज जी बता रहे थे कि लाइक वी आर डूइंग, मतलब हम सेवा करते हैं बट हमारी जो सेवा भाव क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महाराज बता रहे थे कि अगर हम सेवा कर रहे हैं और वो सेवा सिर्फ हमें खुशी देने के लिए कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ सेवा। वो सेवा जो है वो भगवान को खुश होना चाहिए, उससे वो भगवान खुश होना चाहिए, तो वो एक्चुअल में सेवा है, ऐसा महाराज जी बता रहे थे प्रभु माता जी। एंड जैसे महाराज जी ने जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिए, और जैसे वो जो ट्रीज है, जो रास्ते में जो ट्रीज है उसका उदाहरण दे रहे थे कि वो अपने लिए वो जो सेवा जो कर रहे वो अपने हित के लिए नहीं कर रहे, दैट फॉर मेक अदर्स फॉर हैप्पी, मतलब दूसरों को हैप्पी होने के लिए वो सेवा करते हैं। तो उसी तरह से जो भक्त है वो मतलब जब भगवान कृष्ण वो सेवा से खुश होना चाहिए, तो ऐसा सेवा हमको करनी चाहिए, तो ऐसा महाराज जी बता रहे थे माता जी। तो दैट आई कैन ऐड द पॉइंट हियर, और बहुत अच्छे से माता जी आपने आज का जो सेशन है उसको कंडक्ट किया माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। इट्स अ वंडरफुल पॉइंट की
ऐसी सेवा जिससे भगवान खुश हो, ना कि हमारा ईगो सेटिस्फाई हो। तो ऐसी सेवा करना बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट प्रभु जी कि भगवान की सेवा। और हम जब गृहस्थ है तो हम फुल टाइम सेवक तो नहीं हो सकते, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत सेवा करे वो पूरे मन से और प्यार से, विनम्रता से, ह्यूमिलिटी के साथ में हो, तभी वो भगवान तक पहुंचती है। वेरी ट्रू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। माता जी मेरा एक सवाल है। हरे कृष्णा माता जी, एक इसमें सवाल मैं तब तक पूछ लूं क्या प्रभु जी, जब तक लॉग इन करे तब तक? हाँ यस यस यस। माता जी आपने वो जो विल पावर बात किया है, वो विल पावर मतलब डिजायर ना माता जी? डिजायर इच्छा, विल पावर मतलब व्हाट यू कैन से, वी कैन से द विल पावर को हम समझ सकते हैं, पावर बोला गया है उसको, नॉट अ डिजायर। मतलब मराठी मध्ये सांगायचं तर मनाची शक्ती, कि पावर ऑफ आवर माइंड इज इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति मतलब नॉट ओनली सॉरी इच्छा शक्ति अगेन इज रिलेटेड टू डिजायर ओनली ना माता जी? मेरा भी कुछ डिजायर है और वो डिजायर फुलफिल करने के लिए मैं कितना विल पावर उस पे यूज कर रहा हूँ। Yes, मतलब yes. जो विल राइट प्रभु जी, पर ये जो पांच एट्रीब्यूट्स है वो हमारे एटीट्यूड के एट्रीब्यूट्स है। इन पांच चीजों के ऊपर हमारा एटीट्यूड कैसे होगा वो तय होता है। अगर हमारी जो इच्छा है ये स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जो पावर है हमारी इच्छा की, इच्छा शक्ति है, अगर वो हम हमारे सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा हम अगर उसको लगाते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो मतलब जैसे अपब्रिंगिंग हमारी, वो भी हमारे एटीट्यूड का एट्रीब्यूट है, वैसे ही विल पावर जो हमारी इच्छा क्या है, मतलब मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ या फिर मैं इस जगत में, भौतिक जगत में आने के बाद मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छे रिलेटिव्स चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ये भी किसी की विल पावर हो सकती है। और किसी की विल पावर ये हो सकती है कि मैं भगवान की सेवक बनूं या फिर भगवान का अच्छा भक्त बनूं। तो ये इसीलिए एटीट्यूड के एट्रीब्यूट्स में ये विल पावर का एक नाम आया है। कोई किसी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी विल पावर की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइप का हां दैट वे यस इच्छा शक्ति। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यही बोल रहा था माता जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा पॉइंट्स प्रेजेंट किया। तो इसमें ये एक चीज जो मैं बोल रहा था कि इसमें जो एक स्वरूप, इट इज अ वेरी हाई लेवल टॉपिक, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू टॉक ऑन इट, और काफी मतलब ये एडवांस्ड चीज है, बट पर्पट में आया है तो विल जस्ट ब्रीफली टच ऑन दैट। स्वरूप जो है, जैसा हम लोग जानते हैं कि स्वरूप जो है हमारा, हम लोग ये हमारा एटर्नल फॉर्म है स्वरूप, और उसको भूल गए हम लोग, और वो भूल के हम लोग अब भी यहाँ पे जो भी उपाधि हमने, स्त्री पुरुष इंडियन ब्राह्मण जो भी वर्ण के हिसाब से हमने ले लिया है, इसी को हम लोग सब कुछ यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तुम जब ये सारे इन प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, तो तुम वापस से जो है तुम स्वरूप ये पूरी तरह से मतलब यू कैन अंडरस्टैंड ब्रह्मा जी जैसे इतने हाई लेवल के डिवोटी हैं, इवन ही इज स्टिल ही इज आल्सो कंटामिनेटेड। बस कोशिश करना है फिर से हम लोग अच्छा हम लोग मतलब हम लोग फिर से अपना जमा है वो उससे निकल सके, सेवा का भाव बुलाता है हम लोग से। स्टिल वी आर कम बाय मोर्स ऑफ मटेरियल नेचर,
ठीक है, बस वही बोल रहा था कि स्वरूप जो है इट्स अ वेरी प्योर थिंग, और इसको हम लोग को जो है उसके लिए साधना हमारा अच्छा होना चाहिए, भक्ति हमारा अच्छा होना चाहिए। हम लोग जब साधना अच्छे से करेंगे तो विल व्हेन वी बिकम फ्री फ्रॉम मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तभी हम लोग को ये प्राप्त होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खूप चांगलं, तुम्ही थोडं आवाज ब्रेक होत होता, पण जे काय तुम्ही सांगितलं त्याच्यावरनं समजलं की स्वरूप हा जो विषय हा खूप डीप सब्जेक्ट आहे, त्यामुळे तो समजायला आपल्याला अजून थोडासा वेळ आपण घ्यावा लागेल। हळूहळू करून साधना भक्तीच्या मार्गे आपल्याला आपलं स्वरूप जे आहे नित्यसेवक ते आपल्याला समजायला सुरुवात होईल। थँक्यू सो मच प्रभूजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू स्टडी दिस भागवतम श्लोक। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरी सुशील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।